नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पे जो ऐसे मर्ज के विषय में जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम लोगों को होता जा रहा है और इससे व्यक्ति काफ़ी परेशान सामाजिक और मानसिक दोनों रूप से और शारीरिक तीनों रूप से होता है। बात करेंगे सोरियासिस के विषय में, आपको बताएंगे सोरियासिस को ठीक कंट्रोल करने की और ठीक करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। मैं ठीक करना मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये दवा सिम्टम के लिए, शायद आपके पूरे केस के बिना सोरियासिस ना ठीक हो पाए, लेकिन ये दवाएं आपको आराम ज़रूर देंगी, आपकी तकलीफ़ों में कमी जरूर लाएंगी और इन्हीं में से कोई दवा आपको ठीक भी करेंगी। तो साथियों, हम आपको बताते हैं सोरियासिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं सोरियासिस मर्ज होता क्या है। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जो आपके ये स्किन के सेल्स होते हैं ये अनइवन ग्रो करने लगते हैं, ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं। जो सेल को नॉर्मल ग्रो करने में 20 से 25 से 28 दिन लगते हैं, वह सेल 2 से 3 दिन में वह कोशिका ग्रो कर जाती है, कोशिका बढ़ जाती है और वह फिर एक्सफोलिएट नहीं हो पाती, निकल नहीं पाती और वो एक पूरा एक क्लस्टर के फॉर्म में सेल्स ग्रो करते हैं और एक पपड़ी के रूप में आपकी स्किन पर जम जाते हैं, यही सोरियासिस है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एक जटिल रोग है, लेकिन होम्योपैथी में इसकी कारगर दवाएं हैं। इसके कॉजेस के विषय में साथियों, कारण के विषय में सोरियासिस का कारण आज तक अननोन है, लेकिन माना यह जाता है जो आपके बॉडी का ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स होता है वह आपकी स्किन को ही एक फॉरेन बॉडी मानकर उस पर अटैक कर देता है और उन सेल्स को बाहर की ओर एग्जिट कराता है और उसी में वह एक्टिविटीज़ में सेल्स को जल्दी ग्रो करा देता है। तो यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक होता है, आपकी फैमिली में शायद किसी को पहले से हुआ हो सकता है जब आपको होता है। इसके सिम्टम्स के विषय में साथियों, इसके सिम्टम्स आपके सफ़ेद पपड़ी पड़ती है, आप पपड़ी को उखेड़ते हैं तो पीछे से चिपचिपा पानी या ब्लड आता है, स्किन में काफ़ी इचिंग होती है, स्किन में क्रैक्स आते हैं और आपके जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, जोड़ों में सूजन भी इस बीमारी में हो सकती है। अब साथियों, चलते हैं इसकी कारगर दवाओं के विषय में। मैं आपको फिर बता दूं, दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे कभी ना लीजिएगा, उससे प्रिस्क्राइब करे बिना कभी ना लीजिएगा, क्योंकि कोई भी दवा किसी के लिए भी भिन्न हो सकती है। तो आप यह वीडियो हो या कोई और वीडियो हो, केवल उसके आधार पर आप दवा ना लीजिएगा, उससे आपका नुकसान है। बताते हैं साथियों आपको होम्योपैथी में सोरियासिस को ठीक करने की 10 कारगर दवाएं। सबसे पहली और सबसे फारमोस्ट नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो सोरियासिस को ठीक करने की है वह है सल्फर। सल्फर CM पावर की एक खुराक, सल्फर 1,00,000 पावर की एक खुराक आपके सोरियासिस को ठीक कर सकती है। तो किसी को भी सोरियासिस है वो एक बार सल्फर CM की एक खुराक सिंगल डोज ले ले और उसको फिर वो एक महीने तक वेट करके देखे, वो देखेगा कि उसके सारी पपड़ियाँ जाने लगी, सारे इरप्शन जाने लगे और स्किन बिल्कुल नॉर्मल होने लगी। तो सल्फर CM होम्योपैथी में सोरियासिस को ट्रीटमेंट शुरू करने की प्रीमियम दवा है, उस स्थिति में कि जब आपकी स्किन थोड़ी डर्टी हो, आपको सर्दी ज़्यादा लगती हो, आपका नहाने का मन ना करता हो, पड़े रहने का मन करता हो और आपको खाने में मीठा खाना ज़्यादा पसंद हो। साथियों, एक स्थिति सोरियासिस में आती है कि जब आपके सफ़ेद रंग की पपड़ियाँ सिल्वर कलर की पपड़ियाँ पड़ रही हों, तो अगर बिल्कुल सिल्वर कलर की पपड़ी आपकी स्किन में पड़ रही हैं, स्केल्स पड़ रहे हैं सोरियासिस की स्थिति में, तो उस स्थिति में होम्योपैथी में उस स्थिति को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवा आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं कि जब आपके सफ़ेद पपड़ी पड़ रही हों, जो सिल्वर कलर की हों, आपको सर्दी में तकलीफ बढ़ती हो या सर्दी से तकलीफ बढ़ती हो और गर्मी में आपको आराम मिलता हो, रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच आपकी तकलीफ बढ़ जाती हो, उस पर खुजली बढ़ जाती हो और आप परेशान होते हों, अगर इतने सारे सिम्टम आप में, इनमें से सिम्टम आप में हैं, तो आपकी दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप इसमें लाभ पा जाएंगे। अगर आपके पैर के तलवे में सोरियासिस है तो इसकी होम्योपैथी में 2 कारगर दवा है। पहली दवा है कोरेलियम रूब्रम और दूसरी दवा है सिलीनियम। कोरेलियम रूब्रम 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में पाम सोरियासिस में पैर के तलवे की सोरियासिस में ले सकते हैं कि जब आपके उसमें पेन नहीं होता है, इरप्शंस में आप सामान्य चलते हैं लेकिन पैर में सोरियासिस है, और अगर उसमें पेन आपके हो रहा हो पैर के तलवे में, तो उसकी होम्योपैथी में दवा सिलीनियम है।
आप सिलीनियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके 5 सोरियासिस में आपको आराम मिल जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन साथियों आती है सोरियासिस में, जब आपके स्किन में क्रैक्स आ गए हों। अगर आपके स्किन में क्रैक्स आ गए हैं और सोरियासिस की स्थिति है और उससे ब्लीडिंग तक हो रही है, तो उसको होम्योपैथी में ठीक करने की 3 बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है साथियों ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका स्किन का जो क्रैक्स है सोरियासिस में वह ख़त्म हो जाएगा, वह इरप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपका पेट खराब रहता हो और आपको सोरियासिस हो और आपका कॉन्स्टिट्यूशन फैट एंड फ्लैबी हो, यानी आप थोड़ा मोटे थुलथुल और गोरे हों, वह स्थिति अगर आप में हो, तो आपको होम्योपैथी में दवा ग्रेफाइटिस 30 है, आपका हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा और आपका सोरियासिस की स्थिति भी ठीक होगी। दूसरी दवा इसी कंडीशन में आती है, क्रैक्स की कंडीशन में, वह है पेट्रोलियम। अगर आपके विंटर्स में जाड़े में तकलीफ बढ़ जाती हो और स्किन में क्रैक्स हो जाते हो और उससे पानी का सिक्रीशन होता हो, वाटरी डिस्चार्ज होता हो अलहदा ग्रेफाइटिस के, कि जिसमें कि थिक डिस्चार्ज होता है, थिक सिक्रीशन का डिस्चार्ज होता है, अगर आपका वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी होम्योपैथिक में दवा पेट्रोलियम है। आप पेट्रोलियम 1 EM की 3 खुराक 5 मिनट के स्थान पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपका क्रैक्स भी ख़त्म हो गए, इरप्शन भी ख़त्म हो गए और यह विंटर एग्रावेशन की सोरियासिस की स्थिति में आपको बहुत आराम मिल गया। तीसरी दवा इसी स्थिति की नाइट्रिक एसिड है, एसिड नाइट्रिकम 30 उस स्थिति में कारगर है, जब आपके क्रैक्स बहुत डीप हों और आपकी जो टंग हो उसके बीच में फरो हो, जब आप अपनी ज़ुबान देखें उसके बीच में आपको लगे कटा हुआ सा ऐसा सीधे फरो है, तो उस स्थिति की बहुत कारगर दवा नाइट्रिक एसिड है। आप एसिड नाइट्रिकम 30 200 पावर की 3 खुराक 5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं, आपको सोरियासिस में फ़ायदा मिलेगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके बहुत मोटी मोटी पपड़ियाँ स्किन से छूटने लगी, बड़ी बड़ी पपड़ियाँ छूटने लगी, तो अगर यह कंडीशन आप में हो कि बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी पपड़ियाँ आपके स्केल्स आपके स्किन के सोरियासिस के केस में निकल रहे हों, तो उस कंडीशन को रोकने और आपको आराम देने की दवा है हाइड्रोकोटाइल एसाइटिका। हाइड्रोकोटाइल 32 बूंद दिन में 3 बार यदि आप ले लेते हैं, तो आपका यह जो बहुत थिक स्केल्स आपके या उसके मदर टिंचर को आप अप्लाई कर लेते हैं, तो जो बहुत थिक स्केल आपके स्किन में है सोरियासिस के, वह कंट्रोल हो जाएंगे और आपको राहत दे देंगे। फिर एक कंडीशन आती है साथियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत सारा मवाद सोरियासिस के इरप्शन से छूटने लगा, जाड़े में तकलीफें बढ़ने लगी और मवाद बदबूदार। अगर यह स्थिति आप में होती है कि ऑफेंसिव डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज, पस्टुलर डिस्चार्ज आपकी स्किन से सोरियासिस की स्थिति में विंटर्स में हो रहा है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में कारगर दवा सोराइनम है। आप सोराइनम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप अपनी स्थिति में बहुत लाभ पाएंगे, बहुत फ़ायदा पाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि पेनिस में आपके सोरियासिस हो गया, तो अगर पेनिस में आपके सोरियासिस हो रहा है, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा रेडियम ब्रोम है। रेडियम ब्रोमेटम 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आप पाएंगे कि आपका पेनिस में जो सोरियासिस का इरप्शन है वह पूरी तरह ठीक हो गया और आप बेहतर स्थिति में हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों की पूरे शरीर में सोरियासिस हो गई, पूरा शरीर पपड़ियों से और घाव से और इरप्शन से भर गया। अगर यह स्थिति आप अपने में देखें, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा थूजा है। आप थूजा 200 पावर में दिन में 3 बार सोरियासिस टोटैलिस सोरियासिस यूनिवर्सलिस के लिए ले लें, जिस समय पूरे शरीर में आपके इरप्शन आ गए हैं, आपको तकलीफ़ हो गई है, उस वक्त में थूजा आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करेगी। फिर एक कंडीशन आती है कि आपके नाखूनों में सोरियासिस हो गई, नेल्स में सोरियासिस हो गई। अगर यह स्थिति आप अपने में देखते हैं, तो इसकी होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एंटीक्रूड। एंटीक्रूड 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं, जब आपके सोरियासिस हो, नेल डिफॉर्मिटी हो, सोरियासिस आपके नेल्स में हो, उसी स्थिति की दवा सोराइनम 30 है। आप इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप निश्चित रूप से लाभ पाएंगे। फिर एक स्थिति आती है जो सबसे कॉमन स्पॉट होता है सोरियासिस के एलर्जी का, वह नीज़ और एल्बो, यानी कि आपके कोनी में सोरियासिस हो गई और आपके घुटने के जॉइंट्स में सोरियासिस हो गई। तो जब आपके फोर्स में जॉइंट्स में सोरियासिस हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 EM की 3 खुराक आप 5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें,
आप देखेंगे कि जो आपके एल्बोज, नीज और फोल्ड्स ऑफ स्किन में आपके तकलीफ है सोरियासिस के इरप्शंस की, वह कम हो गई और सोरियासिस आपको कंट्रोल होता दिखेगा। फिर एक कंडीशन आती है साथियों, पाम सोरियासिस। तो अगर आपके हाथों में सोरियासिस हो गई है, पाम्स में सोरियासिस हो गई है, इरप्शंस हो गए हैं पूरे हाथ में, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लाइकोपोडियम है। आप लाइकोपोडियम 30 रुपए/बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका सोरियासिस कंट्रोल हो गया और आप अपने को स्वस्थ महसूस करने लगे। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके पेनफुल इरप्शंस हो रहे हैं बॉडी में, सोरियासिस के जो इरप्शंस हो रहे हैं उनमें पेन है, दर्द है। अगर यह कंडीशन आपको होती है तो इसके ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा काली ब्रोम है। काली ब्रोमेटम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आप देखेंगे कि जो आपके सोरियासिस के पेनफुल इरप्शंस हैं, दर्द भरे इरप्शंस हैं, उस दर्द में आपको राहत मिल जाएगी और आपके इरप्शंस भी कंट्रोल होंगे और सोरियासिस भी कंट्रोल होगा, आपको उससे काली ब्रोम 30 से लाभ मिल जाएगा। अगर साथियों आपको सोरियासिस है और साथ में अनीमिया भी है, खून की कमी भी है, काफ़ी होता है क्योंकि सोरियासिस में बॉडी से एलिमेंट्स का लॉस होता है, मिनरल्स का लॉस होता है, तो खून की कमी हो जाती है। तो अगर आपको अनीमिया के साथ सोरियासिस है तो उसको ठीक करने की, सोरियासिस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा थायरोडिनम है। आप थायरोडिनम 3x 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका अनीमिया भी दूर हो गया, आपकी सोरियासिस भी कंट्रोल हो गई और आप अपने को बेहतर स्थिति में हैं। इसके लिए आप थायरोडिनम 3x का इस्तेमाल कर सकते हैं, जाएंगे और आपको राहत दे देंगे। ये साथियों कुछ दवाएं थी सोरियासिस के विषय में। हमारा आपसे निवेदन है कि कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लें, बिना कुशल चिकित्सक से पूछे कोई दवा ना लें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386 9415786380 पर आप अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें आपकी बात का संतोषजनक जवाब देने में बहुत खुशी होगी, सुकून मिलेगा। अगर साथियों आपको यह वीडियो कारगर लगा हो किसी के लिए भी, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिएगा। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।